अरे हंस जान गया अपने मन में मिट गई ना भूसा। हवा में गिर गए और कैसे उड़े उड़ो ना जाए तूफानों में गिर गए। कर्म की भाग मिटे ना हंसे नल बगिया में गिर गए। नल के बाग में गिर गए रे हाँ नल के बाग में गिर गए। कर्म लिखे की थोड़ा गौर करेंगे। हंसान की पंखों में पानी भर जाता है और उस तूफान के अंदर हंसों पे उड़ा नहीं गया। राजा नल के बगीचे में दोनों हंस और हंस गिर गए। अच्छा, जल के गर्दन में भोज पत्र का कागज बंधा हुआ था। ठीक बात, जिस पर इंद्रदेव के लिए पूरी बात लिखी हुई। आहा, और नीचे गिर गए। मेह बरसता जब क्या होता है लल्लू? मेह बरसे जब पानी भरे सबरे पूरे। हाँ, जमीन पे पूरी जमीन पे पानी भर गया। और पानी कितनों कितनों? कम से कम घोटू के ऊपर। हाँ, आग बढ़ा आग बढ़ा। ए इतना पानी, इतना इतना। हाँ, यहाँ इतना और इतना इतना पानी। हाँ, धरती के ऊपर हो गया। देशवाल जी, जब क्या हुआ? डीजे डीजे के चक्कर में तो भैया कैसेटों की सप्लाई अच्छी तरह किया करो। कई कठ उम्र में बैठो रहे ना अम्बेडकर चौक में। पानी भर गया, पानी जब भरा तो पानी गयो मूसेन के बिल में। वो तो जानो ही है भाई मूसेन के बिल में। वो कर तरह के बढ़ावे हंसा पानी में पड़े हैं। सरक सरकाए के ऊंचे से टीले पे चले गए। अच्छा, मूसेन के बिल में पानी गयो। हरपाल गयो बिल में भीतर पानी। तो पानी जब जाएगा और जब पानी गया बिल के अंदर, आहा, एक मूस और एक मूसरी सेटिंग पे निकले। सेटिंग को मतलब? अरे दोनों निकले आगे पीछे। अच्छा, आगे मूस और पीछे मूसरी। ठीक बात। अब भाई पानी भर गया मूस और मूसरी, वो पानी में चुबक मार रहे हैं। चपक 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 कर रहे हो। जो हंसनी कह रही है कैसे? पर ही तसारी से धार में नहीं धर्म नहीं भाई पर पीरा सम नहीं।
करने के बराबर कोई पुण्य नहीं है संसार में। अच्छा, दूसरे के उपकार करने के बराबर कोई संसार में पुण्य नहीं है। और पर पीड़ा, दूसरे को पीड़ पहुंचाने के बराबर, दूसरे को दुख पहुंचाने के बराबर संसार में कोई पाप नहीं है। क्या मन में तेरे मन हंसनी या बता? हम न्यू कहना चाह रही है, आ देखिए बेचारे जीव हैं, जब ये पानी में चुबक मार रहे हैं, फिर ये पानी में डूब के मर जाएंगे, तो क्या कर रहे हैं फिर इनको, क्या कर रहे हैं? अरे बच्चा ले मेरे सजना, तो पता कैसी जात है? ओ बस जानती हूँ, हमें दूसरे के गुण अवगुण से कोई काम नहीं है। ईद बहुत खतरनाक। अरे बच्चा ले मेरे राजा, नहीं मुंह से मर जाएंगे बच्चा ले मेरे सजना, मर जाएंगे बच्चा ले मेरे राजा, नहीं मुझे मर जाएंगे बच्चा ले मेरे सजना, नहीं मुझे बचा लो पिया। नहीं अगर ये जीव मर गए ना, और हमारे देखते देखते जिसकी आंखों के आगे कोई जीव की हिंसा हो जाए, जैन में तुम्हें भी कहा अहीन सा परमो धर्म। अच्छा, यही धर्म है, बचाओ इनको। कि कैसे बचा? मैं एक काम करो। कौन सा काम? एक एक तुम तुम्हारी पंखन में दुबका लो, और एक मैं मेरी पंखन में दुबका लो। तो तू कौन दुबकावेगी? सुपर टैंक पर, बीसीडी पर हमारा ढोला सुनने वाले भाई बहनों, नल से जो बहमाता ने दुमहती की जोड़ी मिला रखी ना मान सिंह, अब वो सेटिंग जोर कर रही है। टटन दिया का फिर के पंखन में दुबका ले। कैसे कैसे दुबकावेगी फिर? अरे काम उल्टा हो गया। कैसा है उल्टा? हंसा ने तो अपनी पंख में दुबका ले मूसरी, और हंसनी ने अपनी पंख में दुबका लियो मूसा। ई मामला बड़बड़ है, अपोजिट काम है। ये मामला सही है, सही है, यह सही डाक है। देखिए तू तो बात ही सही जाने को है। अब 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट हो गए। जब क्या हुआ? जब ये हुआ, अरे आहा, अरे गरम आई आए गई मुझसे में तू। क्या बात है? आई गई मुंह से नकू, जान कड़व की खेती, पैन लिए दांत मुंह से ने मानो लगाए लई। सुनियों ध्यान लगाई, कड़ब को पूंज समझ के जिन्हें लगा दड़ोए लगाई। भीतर पंख काटने को मुंह से मूसरी ने भीतर।
करे भीतर लग्गा लगाई दियो। अरे हरी राम कहे सुनो मेरे भाइयों, ये करमन की गति न्यारी। हरी राम कहे सुनो सरदारो, ये करमन की गत भारी। भीतर भीतर मुँह से मैं पर करी दई की पंख अर भीतर भीतर काट के हरपाल कबाया कर दियो, पंख अलग अलग कर दे। हंसा हंसनी को कोई पतो ना है, वो तो आराम से बैठे हैं। क्यों क्यों ना भाई, तुखम तासीर और सोबच का असर जाति का, उनकी तो जात को असर है। हाँ जाति को थी मुसीन काट दे पंख अंदर अंदर जाति स्वभाव। अच्छा और फिर क्या काम किया? हंस को हंसने को कोई पता नहीं भैया। आ बारिश रुक गई, पानी जमीन सूख गई, फरेरो है गो। जब क्या काम किया मुसीन ने वाम के? जब हंसनी यूं कह रही है। आ हंसा का बात है, अब जाड़ो भी उतर गयो और हवा भी रुक गई, जमीन भी पानी सूख गई और मुसीन की जान बच गई, बादल भी फट गए, तो क्या काम करें फिर? अरे फट गए बदरा और हंसा, फट गए बदरा आहा, अब उड़ चल इंद्रलोक को हंसा। फट गए बदरा अब उड़ चल इंद्रलोक को हंसा, फट गए बदरा। मानव के जीवन की तरफ आपको ले चलते हैं। वो कैसे है? कैसे सुंदर काया बहुत सजाई लगा के कजरा, सुंदर काया बहुत सजाई लगा के कजरा। हंसनी क्या बात है, चले तो फिर चले। चलो महाराज। तो इन मुसेन ने तो निकाल दे पंखन में थे, अपने घर को चले जाएंगे। हम चले चले निकल गए मुसे तो। सुपरटेक विसीडी पर हमारा ये गजमोतनी देहांत
दमयंती विवाह का ढोला सुनने वाले प्रिय सजनों भाई बहनों, अपने छोटे भाई हरिराम की वाणी पर थोड़ा सा गौर करेंगे। क्या हुआ फिर? हेरे सलाह मिला ली अब दोनों ने। क्या बात है? हो रे उड़ने कुमारो मल्लो, जैसे हंसा उड़े परन को एकदम है गयो गल्लो। हुआ सरकारी दुश्मन बन गए मुंह से पर इन्हें कर दई न्यारी न्यारी कर दई न्यारी। वक्त पे बुरे वक्त पे दुश्मन का भी वेद खोलना ठीक नहीं। अच्छा, अंधे और भिखारी का धन घाट तोलना ठीक नहीं। अंधे और भिखारी का धन घाट तोलना ठीक नहीं। अंधे और भिखारी का धन घाट तोलना ठीक नहीं। भरी सभा में भाई भरी सभा में बिना वजन के गरम बोलना ठीक नहीं। गैर टाइम बहु बेटी को घर से बाहर डोलना, गैर टाइम बहु बेटी को घर से बाहर डोलना ठीक नहीं। गैर टाइम बहु बेटी को घर से बाहर डोलना ठीक नहीं। मुँह से बैरी है गई अब कर दियो परन को गल्लो, कर दियो परन को गल्लो। करे दियो परन को गल्लो रे, करे दियो परन को गल्लो। मुँह से बैरी है गई रे, कर दियो परन को गल्लो रे, कर दियो परन को गल्लो। हे भगवान, अरे जमाने में गांव के साथ में अच्छो करो वा को फल बुरो ही मिले। आहा, हमने तो जान बचन हंसा बोलो हंसनी आती ले बैठी। ई बीमारी तेने रोपी है, मरते तो मर जाना सुसरण ने। आज की दुनिया को दस्तूर भी यही है। कैसे? जो मर रहो वा मरन दो, खुद बचो चाहिए, खुद बचो। और ढींगाई देते नहीं है पंखन में घुसाई दिए अंबे। मूस और मूसरी तो वाई बिल में प्रवेश नगर कीजे सब कहा जा। गए भीतर हृदय राख कौशलपुर राजा, वो तो गए वाई बिल में। अरे राम 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 राम। अब मूस और मूसरी, अरे मेरे भैया बिन पंखन के कर गए हो रे। अरे कलसा भैया रह गए देखा से दावा, कलसा चमके से
तबरन के हंसा रह गए, हंसा रह गए बिनाई परन के। हंसा बिना परन के रह गए लल्लू, फिर क्या हुआ? ओ अरे पीर बीत गयो सहकारो, अरे रे भैया बीत गयो सहकारो, हरी राम कहे अलावड़े उजड़ गई है राजधानी, करमन की गत बदल गई हर अच्छो बरसो पानी। कैसे पहुंचे भगवान? तो फिर अब क्या करें? अरे हंसनी, हाँ जो कछु रच दई पित परमाने, अरे जो ना जाएगी तारी, हंसा ये करमन की गति न्यारी। भगवान ने ब्रह्मा जी ने रचिया वा कोई टार व्यवहार ना हंसनी, ओ चल रूप दियो एक गलाकू हरी ने को हलक कर दई कारी, और क्या चतर नार लाल नकू तरसे हर जन जन हारी, ये करमन की गति न्यारी। हे भगवान, हे तीन लोक के कर्तम करता, हे चराचर के स्वामी, हे अखंड अजन्मा अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंता, जाहे भजई गावई श्रद्ध संता। ये भगवान, हे स्वामी, हे तीन लोक के नारायण भगवान, ये कहा करी तेने हमारे? अब क्या करें हम? राजा ने तो हम इंद्र लोक के लिए भेजे थे, और हम अगर इंद्र लोक में नहीं पहुंचे तो राजा हमें मरवाई देगो, लेकिन करें क्या? क्यों अब कैसे करें? तो फिर अब क्या हुआ? फिर यहां तेगारी करमन के बरनी पे सनाए खावे है,
हरी राम सुपर टैक कैसी तुम्हें गावे गावे और भाभी जाए दिए भर पे मंगवावे। चलो होएगी सो देख जाएगी, भगवान ही रक्षक है। अंजलि न्यू कह रही है अब को अब के बारिश और आएगा ही नहीं तो ठिठर के मर जाएंगे जाड़े में। तो अब कैसे करें फिर, बारिश बंद है गई, सब काम है गा मेरे प्यारे सजनों। अब देखिए अब क्या होता है, यहाँ से आगे क्या हुआ फिर। अरे अरे ये घोड़ा पे चढ़ी के फूल बाग को आए रहो ए नर बरवारो। घोड़ा दद दद घोड़ा नल को आए रहो बीत गयो ए सितारो। छूट रही है खुशबोई राजा देख के मेरे सरदारो एकदम हंसनी रोई रोई रे हो कहां के हंसा हो तुम। हम समन से करके महाराज
समद शिखर के। हाँ अच्छा महाराज भीम के यहां से आए हैं। हाँ महाराज भीम के यहां से आए। भाई ये मुसीबत तुम पे कैसे आई? ये महाराज बड़ी हमारी दिशा उल्टी है गई। हम यहाँ आए जब ऊपर उड़ रहे आसमान में एकदम से बादल और बीज रहा और वर्षा हुई बहुत तगड़ी, हमारी परन में पानी भर गो, हम पे उड़ो ना गो, हम यहाँ इस बात। अरे हंसा तुम्हारी तो नार में परवाना भी है। हाँ परवाना है महाराज। ये कागज है? हाँ भोज पत्र है। जी महाराज। तो भीम के यहां से आ रहे हो? बिल्कुल। तो आंधी तूफान आ गया तुम्हारे लिए? हाँ। और तुम हमारे बाग में गिर गए। कहां जा रहे थे? इंद्रपुरी को जा रहे महाराज। इंद्रलोक के लिए? महाराज देवराज इंद्र के यहां? हाँ। एक बात बता सकते हो? कौन सी? तो तुम्हारी ये पंख अलग अलग कैसे हो गई? ये महाराज मूसे ने काट दी है। मूसे कहां से आए? मूसे मिलन में ते निकराया, वो सर्दी लग रही, हमने वे पंखन में दुबका लिए। अच्छे करने में बुरा हो गया। बुरा होगा हमारे साथ। कोई बात नहीं, तो महाराज अब कैसे पार करे? भगवान के यहां अच्छे करने वाले को अच्छा फल मिलता है। तो अब तो हमारी बहुत बुरी दशा है गई महाराज। जानता हूं, मोह तुम अपनों ही करके जानो। तो इंद्रलोक को हंसा हो तुम क्यों जा रहे थे? अम महाराज राजा भीम की बेटी दमयंती। कौन? राजा भीम की बेटी दमयंती। राजा भीम की बेटी दमयंती? हाँ। उसको लगा। तुम दमयंती को जानते हो? जी महाराज वहीं से आए हैं। तुमने दमयंती को देखा है? बिल्कुल। कैसी है? महाराज अच्छी लड़की है। सुंदर है? बहुत सुंदर है। अच्छी तरह देखा तुमने नजदीक से? अरे महाराज उनके ही तो हंसा है हम। हंसाओ, वो दमयंती में मेरी जान बसे है। ए महाराज। हाँ अच्छा बताओ, छोड़िए उस बात को, तो तुम राजा भीम की बेटी दमयंती का लगन सगाई लेके नहीं जा रहे महाराज? देवराज इंद्र के यहाँ। तो दमयंती का विवाह इंद्र के साथ किया जा रहा है? जी महाराज। मेरे आदरणीय श्रोताओं, एक मिनट के लिए अपने हरिराम भाई की बात सुनेंगे। ये वही दमयंती है जो राजा बासी की बेटी नगवंती थी, इससे वादा करके गई कि मेरा तुम्हारा विवाह होगा। अरे अरे वादा, अरे वादा भूल गई दमयंती। खत्म हो गई, आज तो सारे वादे भूल गई।
वादा विवाह का किया मेरे से, लगन सगाई भिजवा दे इंद्र ने के लिए, इंद्र देव के लिए। ए महाराज, ऐसी बात कैसे कर रहे हैं तुम? हंसा तुम नहीं जानते, जब ही पूछ रहे हमने कि कैसी लड़की है। 3 जन्म से ये मेरे नाम के गढ़ में ढह रही नागलोक में, और मैं इससे पहले जन्म में ही मिल चुका हूं। तो महाराज, ये हमारे राजा ने क्या किया? आपसे धोखा किया था? तुम्हारा राजा हो सकता है सही हो, लेकिन कोई बात नहीं, विवाह शादी ये तो संस्कार की बात होती है। अच्छा। और फिर अपनी मर्जी की बात होती है। ठीक बात है, या तो कोई फर्क ना आए हंसाओ, तो मेरे राज में आए हो, मेरे राज में तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई है। जिस समय मेरे पिता का देहांत हुआ था, उस समय मेरे पिताश्री ने मेरे लिए आदेश किया था। क्या आदेश किया था महाराज? उन्होंने एक चौपाई के माध्यम से मुझे समझाया था। क्या लिखा था उस चौपाई में? प्राणों से प्यारी नहीं होती, और राजा अवश्य नरक का भागी होता है। अच्छा महाराज, और आप हमारे राज में आए हो, आपकी सेवा करना हमारा परम धर्म है, कोई चिंता मत करो, मेरे पास रहो जब तक तुम्हारे नए पंख ना उगिया में, जब तक हम आपकी सेवा करेंगे। आपकी एक राजा के हंसा हो और राजा के दूत का आदर करना प्रत्येक राजा का कर्तव्य होता है। चलो बात, कोई बात नहीं, दुमेती भूल गई होगी तो महाराज हम तक चले जाए। हो रे भूले कोल करार, अरे वाले भूल गई कोल करार। राजा नहीं सोच रहा है बात, अपने भूल गई कॉल करार। वादा बहुत करो बचपन में, पर वो भूलिए कॉल करार। भूलिए कॉल करार, तुम्हें की भूलिए कॉल करार। रे हाँ, भूलिए कॉल करार। वादा बहुत करो बचपन में, तुम्हें की भूलिए कॉल करार। हम अपनी गोदी में उठा करके ले जाएंगे, तुम हमारे मेहमान हो। ठीक बात है महाराज, आओ हंसनी, तुम मेरी बाहों में आओ। आओ हंसा। अच्छा। तुम इस बाहों में। ठीक है, और हम आपको ले चलते हैं हमारे। अरे अरे राजा भैया, राजा भवन ले गद्दा मल मल को बिछवायो, राजा राजभवन ले आयो रे, राजा राजभवन ले आयो। गद्दा मल मल को बिछवायो। और क्या? अरे राजा ने एक सिपाही बुलायो, हंसन को ठंडो जल प्यायो। राजा ने एक सिपाही बुलावायो रे, राजा ने एक सिपाही।
एक काम करो। क्या बात है महाराज? हंसान की सेवा करो। ये हमारे अतिथि हैं, मलमल के गद्दा बिछवाए, अच्छा जल पिलाया, आराम से बैठा दी, आराम से यहां रहो। जब तक तुम्हारी पंख हरी ना हो उगना में, तब तक हम आपकी सेवा करेंगे। ठीक बात। मेरे प्यारे सजनों, श्रोता, भैया, बंधुओं, माता बहने, अतिथि की सेवा करना ही मानव का परम धर्म है। भोजन बनाते समय दो रोटी गऊ की निकाल ले, घर आए के लिए ममता के लिए एक चुटकी चून डाल दे, प्यासे को पानी पिला दे, भूखे को दो रोटी खिला दे, बस इससे बढ़कर के कोई तीर्थ और पुण्य नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है अपने से बड़ों को नमन करना, माता पिता की सेवा करना, यही सबसे मानव का बड़ा कर्तव्य है। और राजा के राज में आए हैं अतिथि, तो महाराज क्या करें फिर? लेकिन एक बात मेरी सुनोगे? कौन सी बात है? हो रे राजा ने हंस ने कुटार दई जोर, कब कब ज्वार चुगी हंसन ने, जो रहे तो समद की पार। श्रोता अपने भैया हरिराम की बात पर ध्यान गौर करें। राजा ने हंसान के सामने ज्वार लाके डाल दे। भैया आराम से खाओ पियो चुगो, लेकिन हंसा मेरे वीर ज्वार देख गए रो, और जिनके पास नहीं हंसा वो जान न पावे। अरे राजा हंस ज्वार ना खाए, हंस ज्वार खाते नहीं। क्या बात? अरे शेर घास ना खाए, अरे हंसा तो मोती चुगे के लंघन कर जा। राजा हंसा ना खामे भैया ज्वार है, मोतिन को चुगते हंसा। ओ राजा हंसा ना खामे भैया ज्वार है, हंसा तो मोती खावे। ओ राजा हंसा ना चुगते भैया। महाराज हंसा ज्वार का भोजन नहीं करते हैं, ये तो मोती चुगते हैं। अरे के तो मिल जामे मोती इनको चारे, नहीं भूख नहीं मरे जावे। हंसा कभी ज्वार नहीं खाते, तो फिर क्या करें? हंस ज्वार नहीं खाते, शेर घास ना खाए, या हंसा मोती चुगे या लंघन कर जा। महाराज हंसा कभी ज्वार का भोजन नहीं किया करते, हंसा तो मोती खाते हैं, शेर चाहे भूखा मर जाएगा वन के अंदर लेकिन घास नहीं खाएगा। आहा, क्षमा करें महाराज। और मोती भी वो खाते हैं हंस, कौन से? जो बिना बिंधे हुए होते हैं। बिंधे हुए मोतियों को हंसा कभी नहीं चुगते। राजा नल को पसीना आ गया। एक दूसरे राजा के हंसा मेरे राज में आए, और मैं बावनगढ़ का सम्राट राजा हूं,
और अगर राजा भीम के हंसाओं के लिए मोती नहीं मिले तो सारे राजाओं के यहां मेरी अविज्ञा हो जाएगी कि मेरे दो हंसा गए राजा नल के राज में, उनके लिए मोती नहीं मिले। मूछन को सवाल है, क्या काम कर रहे? संसार में तीन प्रकार के मर्द होते हैं टोनी भाई। तीन प्रकार के कैसे? मर्द तीन प्रकार के होते हैं भैया। तीन प्रकार के कैसे रहे? एक मर्द ऐसो, कैसो, जो मूछन का इरादा रखे। अच्छा, और एक मर्द ऐसो, प्लेन प्लेन। अच्छा अच्छा, एक मर्द ऐसो जो मूछन के इरादे रखे, एक मर्द ऐसो जाके मूछे ही पसम है, एक मर्द ऐसा है जो मुंह पे मोच रखता है, एक मर्द ऐसा जो प्लेन रहे। बिल्कुल। और एक मर्द ऐसो, कैसो, कर्ज लेत नहीं किसी से, और एक मर्द ऐसो कर्ज लेके देना ही कसम। एक मर्द ऐसो जो मूछन के इरादे रखे, एक मर्द ऐसो जाके मूछे ही पसम है, एक मर्द ऐसो कर्ज लेत ना किसी से, एक मर्द ऐसो लेके देना ही कसम है, और एक मर्द ऐसो, कैसो, जो औरत को खसम रहे, और एक मर्द ऐसा जाके औरत ही खसम। जन मर्दों की औरत ही खसम है, उनका जीवन कैसा है ये तो सोच लीजिए। बिल्कुल, फिर तो मामलो खराब। जट कुड़िया में डरदा मारा मुंडा होते डांग रख दा, ये कोई बात है क्या यार? अरे भाई एक बात सुन ले हमारी। कौन सी बात है? सुनिए नल ने हंसन की, कोमलाए गए ओए नगीना। नल के पास में मोती नहीं थे, हंसा ने यूं कह दी, हम तो मोती चुगते हैं। अब जो बिना पैदा की चीज है कहां से आए? बिल्कुल। बात सुनिए नल ने हंसन की, और क्या, कोमल आए गए ओए नगीना। अब मोती कहां थे, आ मैं एकदम आए गए बदन पसीना। आए गो बदन पसीना मोती ने की जब बात सुनिए, आए गो बदन पसीना। जो चीज उपलब्ध नहीं है वो कहां से आएगी? राजा नल को पसीना आ गया, मोती कहां से? और अगर ये हंसा बिना मोती चुगा, ये भूखे मेरे राज में मर गए, नरवरगढ़ की राजगद्दी के कलंक लग जाएगा। बावनगढ़ के अंदर मेरी अविद्या हो जाएगी। बात हीरा है, बात मोती है, बात लाखों की लाज खोती है, बात हर बात को नहीं कहते लोगों, बात को बात की बात होती है। पटवारी को रहता है मीजान का खटका। अच्छा। ड्राइवर को रहता है चालान का खटका। आहा। पढ़ने वाले विद्यार्थी को रहता है इम्तिहान का खटका। कंजूस को रहता है मेहमान का खटका। लोभी को रहता है दान का खटका। न आन का खटका, न बान का खटका, अरे है मर्द वही सत्ता जिसे अपनी जान का खटका। जान चली जाएगी, मर्द की बात नहीं जानी चाहिए। और एक बात कहता कहना चाहता हूँ लोगों। कौन सी बात है? अरे पैसा चला गया इंसान का, कुछ नहीं गया। आहा। और इंसान का स्वास्थ्य चला गया, समझो कुछ गया। और इंसान की जबान की बात चली गई तो सब कुछ गया, हर कुछ बाकी नहीं रहेगा। इंसान की जबान ही कीमत होती है, और जिन इंसानों के पास में जबान की कीमत नहीं है वो इंसान क्या है? लेकिन एक बात है, राजा नल अपनी बात आन मान शान के लिए कर रहे थे सदा चलिया। हरियल केवट कदली सोहे। कदली किसे कहते हैं?
केले के पेड़ को, केले के पेड़ को हरियर केवट कदली सोहे फेर दूसरी बार फरे ना। केले के पेड़ में एक बार फल आता है, दूसरी बार फरे ना। और सायर सूर सती रण चढ़ के घर की ओर कुचित करे ना। ऐसी जुबान बड़े मर्द की मुख से कट जाए तो फिर डरे ना। अगर ये हंसा मेरे राज में भूखे मर गई तो मेरे बाबलगढ़ के राजगद्दी के दाग लग जाएगा, तो फिर क्या काम किया। लेकिन उपाय क्या हो, हाँ हाँ अपनी माँ के पास चला गया।